माना जाता है कि यहाँ पे काला जादू करने वाले अक्सर आया करते हैं इस तरफ। देख देख वो जा रहे, वो जा रहे, ये देख पूरा झुंड है, पूरा झुंड दोनों काफी शानदार। और ये काफी शानदार, और ये दोनों की फाइट चालू हो गई। और यहाँ पर छोटू ने काफी शानदार तरीके से दीपक को फेंका, और ये दोनों की, और छोटू को नहीं मानते हुए यहाँ दीपक और ये काफी आ रहे, दोनों की कसम कस लड़ाई होते हुए यहाँ पे। और ये क्या हो क्या रहा है, क्या क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों आपस में ही। तो फाइनली हम यहाँ बाबा ईश्वर पहुंच चुके हैं। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं मंदिर पे, अब हम जा रहे हैं इधर घूमने की। पता नहीं अब यहाँ की हिस्ट्री के बारे में तो बाबा सब ने भी पूछा नहीं है कैसा क्या है, पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पहले मंदिर बनाया जा रहा था। देखो शायद ये गेट हो सकता है यहाँ पे, पता नहीं यहाँ पे कुछ कारण की वजह से इसे बंद कर दिया गया था, जो कि आगे काम नहीं हो सका यहाँ पे। माना जाता है कि यहाँ पे काला जादू करने वाले अक्सर आया करते हैं इस तरफ, तो हम भी यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं, पता नहीं यहाँ क्या हो। काफ़ी शानदार लोकेशन पे आ चुके हैं यहाँ पे, पर ये बारिश में काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि अभी पतझड़ का मौसम है तो पत्ते ने सब झड़, ये हरियाली है क्योंकि यहाँ पे रिवर जा रही है, नदी मतलब, जो मतलब शिवलिंग पे जो पानी आ रहा है मंदिर पे वही पानी ये है, मतलब वही पानी आता है यहाँ पे। और आगे वहाँ पे मतलब जो लोकेशन देखो, ये वाली काफ़ी शानदार लोकेशन है यहाँ पे, देखो ये लोकेशन देखो आप सब, कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे। और ये दो भटकाते भटकाते जा रहे हैं आगे, वो जा रहे, ये देख पूरा झुंड है, पूरा झुंड आ रही है। ये देखो यहाँ पे कितने सारे बंदर आए हुए हैं, ये लाइन से बैठे हुए भाई, इतने सारे यहाँ पे कहाँ, तो पहली बार अपने को देख के डर की लग रहा है ये। तो ये बंदर शायद नीचे पानी पीने के लिए आए हुए होंगे, तो आम भी लगे हुए हैं, तो हाँ सही जगह है क्योंकि खाना पानी पास में ही है, तो वो हमें देख के डर गए और भाग गए हैं वो ऊपर। ये बैठे हुए हैं दो तीन, ये रहे अबे बहुत सारे हैं बे, 20-30 से देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, ये जो कि हमें ही देख रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो कि काफ़ी पसीना देख सकते हो आप, ये देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये आगे ये झरना, जो कि मोबाइल मेरा लेग होते हुए इसी स्टोरेज फुल हो चुकी होगी कुछ। अरे यार छोटू देख के यार, तो छोटू की यहाँ पे फटते हुए सही, मेरे फिसला तो नीचे ही, पटेल तो नीचे चलेगा यार आराम से यार, है ना साले, मैं कैसे दूंगा। तो छोटू भी उस तरफ पहुँच चुका है, पटेल तो नीचे पानी में आराम कर रहा है, देख लो अब मेरी बारी, तो अब मैं भी यहाँ पे जाता हूँ, पहले यहाँ पकड़ना पड़ेगा, जो कि एक हाथ में मोबाइल है तो मेरे लिए भी उतना ही टफ है ये, और ये जड़ है ये जिसको पकड़ के यहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे पैर फिसला तो सीधा पत्थर के ऊपर फिर नीचे। तो चलो आ गया, पानी तो बहुत गंदा है यार, पसीने में हालत ख़राब मेरी। और यहाँ पे ये देख जामुन पे फूल आ चुके हैं, अब ये जामुन लग जाएंगे थोड़े ही समय में। ये और यहाँ पे छोटू ने दीपक को लात मार दी, और दीपक भी कपड़े में आ गया। यहाँ पे पानी ज़्यादा ऊंडा नहीं, मतलब ये मिट्टी का ढेर है यहाँ पे,
और उधर ऊंडा है, यहाँ पे मतलब ज्यादा गहरा है इधर, और उधर थोड़ा सामने गहरा होगा, पर तेरा तो नहीं है। मेरा तो लगा इसलिए बता दे गाइस, हम यहाँ पे घूमने आए थे और काफी बकचोदी हो रही गाइस। और वीडियो मतलब गाइस देखो कि मतलब वॉटरफॉल में पानी बहुत कम आ रहा है, क्योंकि जो मंदिर से पानी आ रहा है ना वही पानी यहाँ भी आ रहा है, इसलिए कम। और ये डूब रहा छोटू, बच्चा है इसको, या तो डूबने में मदद कर दे, थोड़ी डूबने में मदद कर दे। जैसे कि आप देख सकते हैं छोटू ने काफी शानदार तरीके से बचाया, और ये सुप्लेक्स। वाह यार छोटू यार, बचाने के बजाय तेरे जैसे दोस्तों ने दुश्मन की जरूरत नहीं है, आप मान गया मैं हूँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं। चल दीपक बड़ी बात मत कर, खड़ा हो जा, बता पानी कितना है सबको। गाइस देखो तो आपका सबसे बड़ा यहाँ पे और बहुत ऊना है, यहाँ पे ज्यादा पानी नहीं है, गहरा नहीं है यहाँ पे, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। खोपड़ी तोड़ साले की खोपड़ी, अरे खोपड़ी तोड़ना थी यार, ये क्या तोड़ दिया। तो यहाँ पे काफी और इनको देख लो, ये अभी तक एंजॉय कर रहे हैं दोनों की दोनों, काफी शानदार। और ये काफी शानदार फेंका यार, और ये दोनों की फाइट चालू हो गए। और यहाँ पर छोटू ने काफी शानदार तरीके से दीपक को फेंका, और ये दोनों की, और छोटू को नहीं मानते हुए यहाँ दीपक, और ये काफी आ रहा है दोनों की कसम कस लड़ाई होते हुए यहाँ पे। और ये क्या हो क्या रहा है, क्या क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों आपस में ही काफी शानदार तरीके से, अरे छोटू को काफी शानदार तरीके से फेंका, और छोटू को यहाँ पर काफी गंभीर चोट लग गई। और ये भागते हुए जैसे कि आप देख सकते हैं, और पटेल उनका पीछा करते हुए यहाँ पे, काफी शानदार लड़ाई चल रही थी दोनों के बीच में, जो कि दीपक एकदम किंग कॉन्ग के स्टाइल में है, और छोटू ये गलत है, ये चीटिंग है, और दीपक ने गलत जगह हाथ डाल के पकड़ लिया था, इस कारण छोटू को उठा के फेंकने में आसानी हुई उनको, जो कि हमारा भी गला बैठ गया कमेंट्री कर करके यहाँ पे। तो वीडियो जरा भी पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और शेयर करना ना भूले। और हम गाइस हम बाहर निकल रहे हो, और बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अब निकलना भी हमें यहाँ पे। और छोटू एक बार दीपक को फेंक दे उठा के, नहीं, ये को, अरे यार ये काफी शानदार, अरे नहीं फेंका है यहाँ पे, और दीपक भागते हुए यहाँ पे डर के मारे। चलो अब ठंड लग रही है, निकले बाहर। चल तो हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अब हमको निकलना भी है यहाँ से, तो चलो चलते हैं आगे। तो हम पानी से बाहर निकल चुके हैं, और ये कपड़े निचोड़ते हुए, और हम तो चड्डे में ही चले जाएंगे पैदल पैदल, क्योंकि हमारी तो आदत है हम चड्डे में ही घूम लेते हैं अब। तो पेंटो और मोबाइल मैंने पकड़े हैं, अब छोटू जा रहा है आगे, और ये आराम से निकल गया है, चप्पल गीले हैं तो फिसलेंगे ऐसे लग रहे हैं मेरे को भी। ये देखो कपड़े बदलते हुए इसको, ये चड्डी में आधा नंगा। तो चलो अब मैं भी चलता हूँ, पकड़ लिया मैंने लकड़ी, और यहाँ पे हाथ घुमा के पैर इस प्रकार, पर चप्पल में देखो पैर कैसा मुड़ा है यहाँ पे। तो चलो चढ़ गए हम ऊपर, और काफ़ी मज़ा आया है यहाँ पे, पानी तो कम है, बारिश में ज़्यादा मज़ा आता, पर अभी भी काफ़ी इंजॉय हो गया हमारा। तो यहाँ पे बंदर फिर से आए हुए थे पानी पीने के लिए, और हम भी निकल रहे हैं यहाँ से, अब दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। पे धूप निकली है, और कितना मस्त लग रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों, और इन दोनों के पीछे में जो कि व्लॉग शूट करते करते जा रहा हूँ, काफ़ी तेज धूप है एकदम मस्त। देखो जो बिलपत्र हम चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, ये उसका फल है, कुछ ऐसा दिखता है, पर फोकस नहीं हो पा रहा है, ये हो जा रहा फोकस ऐसा। हाँ ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये, और यहाँ पे काफ़ी फिसलन है, साइड से जाना पड़ेगा। और हाँ तो आखिरकार हम पहुंच ही चुके हैं, बस पास में ही है, और मेरा
चार्ज 15% बचा है तो मैं आगे का शूट नहीं कर पाऊंगा। और मिलते हैं अपन अगले व्लॉग में, मतलब मिलते हैं आगे।